माँ की गाली सबसे ज्यादा। मुँह से कोई भी ऐसा गाली ना हो जो ना निकले। तो जी हम आ गए हैं बनारस के लंका में चाची कचौड़ी वाले के पास। चाची जी जब भी किसी को कचौड़ियाँ खिलाती थी तो सबसे पहले यहाँ पर गालियाँ देती थी और लोग उनकी गालियाँ खाने के लिए आते भी थे। तो चलिए पहले आप हमारे पीछे भीड़ यहाँ पर देखिए कितनी ज़्यादा है। तो चलिए चलते हैं चाची जी के बेटे और पोते से बात करते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ की कचौड़ी कैसे बनाई जाती है और आपको हम टेस्ट बताते हैं। तो चलिए चलते हैं। कितने साल हो गए आपकी शॉप? 109 साल पुरानी दुकान है। आरपी सिंह क्रिकेटर भी कचौड़ी खा चुके हैं। आरपी सिंह? अच्छा। हाँ, हमारी है सब उन्हीं लोग का बनाया हुआ चीज है ना बेटे, उन्हीं लोग का सीखे हम लोग बेटे। अभी राघव आया था, ये डांस इंडिया डांस का राघव। काफी लोग आपके यहाँ आ चुके हैं खाने के लिए। लोग बैठ के फोटो खिंचवाते हैं अंकल जी के साथ। बड़े बड़े लोग आते हैं बेटे, बहुत बड़े बड़े लोग। हाँ मैंने देखा है। अलिया के साथ साथ कचौड़ी भी वो है, फेमस है बेटे। चाची तो पहले गाली देती थी ना, बाद वो कचौड़ी खिलाती थी। मनोज सिन्हा भी बहुत गाली सुने, राजपाल जम्मू कश्मीर के, बीएचयू में पढ़ते थे, यहाँ के गाली सुनते थे। और राजेश खन्ना फिल्म स्टार, गुलशन गोबर, राज बब्बर, ये लोग गाली सुन जाते थे। माता बेटे गाली ज्यादा सुनते थे, कचौड़ी कम खाते थे। ये हमारे आँख के सामने की बात है बेटा, 50 साल से तो हम निकाल रहे कचौड़ी बेटा। हम तो माता जी के लड़के हैं। हाँ बेटे, हाँ बेटे, आज भी खिलाएंगे, कल भी खिलाते रहेंगे, जब तक हाथ गोड़ चलता रहेगा तब तक खिलाते रहेंगे, वो हमारे बच्चे हैं। हाँ बेटे, टाइमिंग वैसे क्या है दादाजी? सुबह 6 बजे स्टार्ट हो जाता है, 6 बजे से स्टार्ट हो जाता है। हाँ बेटे, और 11 बजे तक चलता है बेटे। तो किसी दिन बंद तो नहीं रखते आप? बेटे बंद भी हो जाता है, सारी थकी रहती है, बंद भी हो जाता है बेटा। अच्छा, तो क्या क्या आपके यहाँ मिलता है? सुबह बेटे जलेबी कचौड़ी मिलता है, 12 बजे के बाद यहाँ समोसा, लंगड़ता, खस्ता कचौड़ी, इमरती, ये सब मिलता है। अच्छा, ये सारी चीज। और प्राइस क्या है? प्राइस 4 कचौड़ी 40 रुपए की है, एक प्लेट 40। अच्छा, और यहाँ पर अगर किसी को आना हो तो एड्रेस बता दीजिए। ये बेटा लंका चौराहा है, रविदास के, ये संकट मोचन रोड है, बीएचयू के पास, ये तीसरी पीढ़ी चल रही है। हम लोग जितना भी ये सारा आइटम है ना, सब कुछ से ही करते हैं, अच्छी का ही सब कुछ दिया हुआ है। आज ये सारे अवार्ड जो भी है, एक अवार्ड है इंडिया के फूड आइकॉन में से एक है, हम लोग ये सब दादी का देन है। उतना बना के गई हैं, वो रेसिपी हम लोग को बता के गई हैं कि वही हम लोग लेके चल रहे हैं। पुराने ज़माने के जो लोग हैं ना, वो सारे मिट्टी के बर्तन का ही किया करते थे। उसको जैसा पसंद आता है सब उसी तरह बन जाता है। कोई शुगर फ्री कहता है तो शुगर फ्री। अब लोग मीठा खाने वाले कम हो गए। पहले तो लोग एक एक किलो खा जाते थे बैठ के यहीं पर। चीका उस समय तो बहुत लोग थे यार, ऐसे ही शायद बिहार के आपके SP आए थे, तो उनका पैर वैर टूटा हुआ था, तो गाड़ी से आए सामने, बोले कि फ़ोन से मतलब बात करवाए, तो बोले कि सफ़ेद सामने ही एकदम गाड़ी में बैठे हुए, बोले कि जल्दी कर पैसा ना हो। तो दादी बोली उनसे कि क्या हुआ, नीचे क्यों नहीं उतरे? कर पैर टूटा था। कहती थी उनसे कि और घुस खो। हाँ, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के जज भी आते थे तो उनसे भी बहुत प्यार से बात होता था, या गाली भी देती थी तो वो सोचते थे, उनके जो अगल बगल वाले सोचते थे कि क्यों गाली दे रही है, ये तो जज हैं, तो वो उनको समझाते थे। हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, दादी हर तरह की गाली देती थी, चाहे वो कोई भी गाली हो और सामने वाला चाहे कोई भी हो, यहाँ ये भी क्यों ना, पापा क्यों ना हो, सबको पड़ती थी गाली, माँ की गाली सबसे ज्यादा। अच्छा, मोटी मोटी गाली नहीं देती थी, सीधा माँ की गाली। अच्छा, सीधा माँ की गाली। तभी आशीर्वाद था गाली का बगल में। सुबह 10 बजे संकट के आ रहे, माता जी का आशीर्वाद वही पड़े। आप कब से खा रहे हैं? हम यहाँ लगभग 30 साल। 30 साल से खा रहे हैं। इसी बगल में हम रहते हैं, हनुमान जी का दर्शन करने आते हैं, यहाँ खा रहे हैं। इनकी पूरी बहुत ज्यादा क्रिस्पी, और साथ में इनकी जो ये सब्जी है ना, इसमें हींग का फ्लेवर बहुत तगड़ा आ रहा है। ऑलमोस्ट अगर बात करें टेस्ट की तो मुझे बहुत पसंद आ रहा है। और ट्राई करते हैं इनकी जलेबी। जलेबी का मीठापन भी थोड़ा बैलेंस में है और साथ में बहुत ही क्रिस्पी इनकी जलेबी है। क्या खाना बना रहा तो ये वाली कचौड़ी, हींग वाली सब्जी जरूर।